राधे कृष्ण फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, माल विक्रय अधिनियम 1930 के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको विक्रय तथा विक्रय करार के बारे में बताया था कि विक्रय क्या होता है और विक्रय करार क्या होता है तथा इनकी ज़रूरी बातें और इनमें अंतर क्या होता है, इन सभी के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्रेता सावधान का नियम, क्रेता सावधान यानी कि कैवेट एम्प्टर का नियम। ठीक है, तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही इसकी सारी कंडीशंस को भी हम समझेंगे कि इसके अंदर जो है कौन कौन सी शर्तें लागू होती हैं, कौन से इसके अंदर आश्वासन लागू होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है, इन सभी के बारे में भी हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपका ये टॉपिक भी अच्छे से कम्प्लीट हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्रेता सावधान का नियम क्या कहता है हमारा। तो क्रेता सावधान, तो ये इंग्लिश में, ये जो लैटिन भाषा होती है, लैटिन लैंग्वेज में इसको कहा जाता है कैवियट एम्प्टर। ओके, इसे हम लैटिन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कैवियट एम्प्टर। तो जो कैवियट होता है, कैवियट का मतलब होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में इसे हम कहते हैं बी वेयर इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, और हिंदी में इसको कहते हैं हम सावधान रहना। ठीक है, और जो एम्प्टर होता है, एम्प्टर को हम इंग्लिश में तो कहते हैं बायर्स यानी कि क्रेता। ठीक है, हिंदी में क्रेता और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इसको, बायर्स कहते हैं इंग्लिश में। ओके, और हिंदी में हम इनको कहते हैं क्रेता। ठीक है, तो ये होता है क्रेता सावधान यानी कि कैवियट एम्प्टर। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखना कि क्रेता सावधान को कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम में कि क्रेता सावधान को लैटिन भाषा जो है उसमें क्या कहा जाता है, तो उसमें कहा जाता है इसको कैवियट एम्प्टर। ठीक है, तो देखिए जैसा इसके नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि क्रेता सावधान का मतलब है कि क्रेता को सावधान रहना चाहिए कोई भी खरीदारी करते समय। क्रेता कौन होते हैं, खरीदार होते हैं ना, तो क्रेता सावधान मतलब कि क्रेता को सावधान रहना चाहिए कि जब भी कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो उनको हमेशा सावधान रहना चाहिए, उनको कोई भी चीज़ सोच समझ कर परख कर ही खरीदनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्रेता सावधान रहे के सिद्धांत के अनुसार माल खरीदते समय क्रेता को माल की जांच अच्छी तरह कर लेनी चाहिए क्योंकि कोई भी विक्रेता माल के दोषों को स्वयं प्रकट नहीं करता। यानी कि कोई भी विक्रेता है जिसके पास हम अपना सामान खरीदने जा रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो तो अपने जो माल के दोष होते हैं वो विक्रेता तो अपने माल के दोष को छुपाता ही है। ठीक है, वो बताता नहीं है, तो वो क्या करता है, जो क्रेता होता है उसको क्या चाहिए यहाँ पर कि कोई भी माल अगर वो खरीदने जा रहा है तो उसको अच्छी तरीके से देख के लेना चाहिए कि मेरे माल में कोई दोष तो नहीं है। साधारणतः क्रेता स्वयं अपने जोखिम पर माल खरीदता है, अर्थात यदि माल घटिया निकलता है या विशेष उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं है तो वह विक्रेता को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता। यदि विक्रेता कपट का प्रयोग करके माल बेचता है तब विक्रेता माल को अस्वीकार कर सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार यह क्रेता का कर्तव्य है कि वह माल खरीदने से पूर्व माल की जाँच कर ले कि वह उसके उद्देश्य के लिए उपयुक्त है या नहीं। तो देखिए, अगर कोई भी मान लीजिए क्रेता सामान खरीद रहा है तो अगर वो जांच परख के सामान खरीद नहीं रहा, ठीक है, सामान नहीं खरीद रहा अच्छे तरीके से देख के, और अगर उसके अंदर कोई कमी निकल जाती है तो उसके लिए जो विक्रेता होता है ना वो जिम्मेवार नहीं होता। ठीक है, उसके लिए वो क्रेता वो खुद ही जिम्मेवार होता है। ठीक है, लेकिन अगर विक्रेता कोई झूठ बोल के या कपट करके उसको माल को बेच रहा है तो तब विक्रेता जिम्मेवार होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए धारा 16 के अनुसार इस अधिनियम तथा उस समय प्रचलित अन्य किसी अधिनियम की व्याख्या के अनुसार विक्रय अनुबंध के अंतर्गत बेचे गए माल के गुण अथवा किसी विशेष उद्देश्य के लिए उपयुक्तता के संबंध में कोई गर्भित शर्त अथवा आश्वासन नहीं होता। अतः स्पष्ट है कि वस्तु खरीदते समय क्रेता को पूर्ण रूप से स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए। यदि विक्रेता कपट का प्रयोग करता है अर्थात जानबूझकर वस्तु के दोषों को छुपाता है या दोष इस प्रकार का है कि साधारण जाँच से उसका पता नहीं चलता तब ही विक्रेता उत्तरदायी होगा। तो देखिए इसमें कह रहे हैं कि सेम वही बात कि जब कोई क्रेता सामान खरीद रहा है तो उसको अच्छी तरीके से जांच परख लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसा सामान है जिसे सामान्य तौर पर देखने पे कोई क्रेता उसमें उसको नहीं पहचान सकता कि उसके अंदर क्या दोष है तो उसमें कौन जिम्मेवार होगा, उसमें विक्रेता जिम्मेवार होगा क्योंकि उसने इस तरीके से उस सामान को बना रखा है कि उसमें क्रेता पता नहीं लगा पा रहा कि इसके अंदर क्या कमी है। ठीक है, तो वहाँ पर कौन जिम्मेवार होगा, वहाँ पर वो विक्रेता ही जिम्मेवार होगा। ठीक है, मान लीजिए कि आप मार्केट में
कोई भी कपड़ा खरीदने के लिए जाते हो, ठीक है, कपड़ा खरीदने के लिए गए, तो अगर कपड़ा आप जानबूझ के खरीद रहे हो और अच्छी तरीके से उसको देख के नहीं ले रहे, ठीक है, और वो कपड़ा क्या होता है कई बार फटा हुआ निकल जाता है, ठीक है, और आप उसको देख के नहीं ले रहे, तो आप घर जाके उसको देखते हो कि अरे भाई ये तो कपड़ा फटा हुआ आ गया, तो आप वापस जाते हो उस विक्रेता की दुकान पर, तो वो विक्रेता इस चीज़ को भी कह सकता है कि भाई आप अपना सामान आपको देख के लेके जाना चाहिए था, आप देख के क्यों नहीं लेके गए, क्या पता ये रास्ते में फट गया हो, है ना। तो उसके लिए विक्रेता जिम्मेवार बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ है जिसको विक्रेता छुपा रहा है, मतलब वो झूठ बोल के कपट बोल के अगर कोई सामान आपको दे रहा है, तो उसके लिए विक्रेता जो है जिम्मेवार होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है, यदि इस सिद्धांत का पालन कठोरता से किया जाए तो अनेक क्रेताओं की कठिनाइयों का सामना करना होगा। प्रत्येक क्रेता इतना चतुर नहीं होता कि वस्तु की गुण या उपयुक्तता की जांच कर सके, इसलिए इससे क्रेताओं को की रक्षा हेतु सिद्धांत के कुछ अपवाद धारा 16 में दिए गए हैं। तो देखिए, अगर हम इस रूल को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कर दें तो क्या होता है कि कई बार जो क्रेता होते हैं वो सभी क्रेता इतने चतुर नहीं होते, इतने होशियार नहीं होते कि वो अपने माल को अच्छी तरह जांच पर रख सकें। तो उसके लिए क्या किया है, इसके लिए कुछ एक्सेप्शनल केस भी यहाँ पर बताए गए हैं, अपवाद भी बताए गए हैं जहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता, ठीक है। तो अब हम अपवाद पढ़ लेते हैं कि इसके अपवाद क्या क्या हैं। तो सबसे फर्स्ट अपवाद देखिए, जब क्रेता माल खरीदने के अपने उद्देश्यों को विक्रेता को स्पष्ट रूप से बता दे तथा विक्रेता के विवेक एवं चातुर्य पर निर्भर करता है, तब यह गर्भित शर्त है कि बेचा गया माल उस विशेष उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा। अतः जब क्रेता अपने उद्देश्य की जानकारी विक्रेता को दे देता है तो ये सिद्धांत लागू नहीं होता, ठीक है। अगर देखिए क्या इसमें बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि अगर कोई मान लीजिए कोई क्रेता है वो कुछ सामान खरीदने गया है और वो उसको पर्पस बता देता है कि मुझे इस पर्पस से ये सामान चाहिए, ठीक है, और अगर उसके बावजूद भी विक्रेता उसको कुछ ऐसा सामान दे रहा है कि जो वो उसके लिए यूजफुल नहीं है, तो वहाँ पर विक्रेता जिम्मेवार होता है। अब मान लीजिए आपको कोई सूट स्टिच करना है, ठीक है, आपको कोई सूट स्टिच करना है और आप उसके लिए कपड़ा लेने मार्केट में जा रहे हो, ठीक है, आपने विक्रेता को बता दिया कि भाई मुझे मेरे माप का सूट स्टिच करना है, मुझे उस हिसाब से आप कपड़ा दे दो, ठीक है। लेकिन विक्रेता क्या करता है, उसके पास कोई छोटा मोटा कटा हुआ पीस कपड़ा पड़ा हुआ है तो वो वही दे देता है आपको उठा के, आपके माप का नहीं देता और उसमें से फिर आपका जो सूट है वो नहीं बन पा रहा, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है, इसके लिए वो विक्रेता जिम्मेवार है, क्योंकि आपने तो उसको बता दिया था कि मुझे सूट स्टिच करने के लिए कपड़ा चाहिए, तो वो विक्रेता उस हिसाब से आपको नहीं दे रहा, तो वहाँ पर वो जिम्मेवार विक्रेता ही होगा, यहाँ पर क्रेता सावधान का नियम लागू नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब वस्तु का विक्रय वर्णन के अनुसार किया जाता है तब गर्भित शर्त होती है कि वस्तुएं व्यापार योग्य होंगी। विक्रय की जाने वाली वस्तुएं वर्णन के अनुसार होनी चाहिए। यदि क्रेता ने माल की जांच कर ली है तो अवश्य अदृश्य दोषों के लिए विक्रेता उत्तरदायी होता है। अब देखिए, अगर कोई विक्रेता सामान बेच रहा है अपना, ठीक है, और उस वस्तु के बारे में, उसके गुणों के बारे में बता रहा है, उसका वर्णन कर रहा है कि ये चीज़ इतनी अच्छी है, और फिर जब वो क्रेता उसको ले जाता है और वो उसके अकॉर्डिंग नहीं निकलती जैसा उसने बताया था विक्रेता ने, तो उसके लिए भी जिम्मेवार कौन होता है, विक्रेता होता है। अब मान लीजिए कि आप कोई भी आप कपड़ा खरीद के लेके जा रहे हो, कोई गारमेंट खरीद के लेके जा रहे हो आप घर पे, ठीक है, तो उसको विक्रेता क्या कह रहा है, विक्रेता कह रहा है कि ये जो गारमेंट है ये आपका इसमें से कलर नहीं निकलेगा, ठीक है, और ये ना सिकुड़ेगा ना श्रिंक होगा, मतलब इस टाइप की वो उसके फायदे बता रहा है आपको। लेकिन वो घर पे जाते हैं आप, ठीक है, और फिर जब आप उसको धोते हैं तो वो श्रिंक भी हो जाता है, उसमें से कलर भी निकलता है, तो यहाँ पर उसने जैसा वर्णन किया था वैसा नहीं हुआ, बिल्कुल भी वैसा नहीं हुआ जैसा उसने वर्णन किया था, तो इसलिए यहाँ पर कौन जिम्मेवार होगा, यहाँ पर वो विक्रेता ही जिम्मेवार होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वस्तुओं के गुण अथवा उपयुक्तता संबंधी गर्भित शर्त कुछ दशाओं में व्यापार की रीति या परंपरा के अनुसार भी मानी जाती है, उस दशा में क्रेता सावधान रहे का सिद्धांत लागू नहीं होता। तो देखिए, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर हमें वस्तुओं के गुणों को बताने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वहाँ पर कुछ गर्भित शर्त होती हैं कि जो नहीं बताई गई शर्तें उसके बावजूद वो शर्त वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि हम मान लीजिए कि कोई अपने व्यापार के लिए सामान खरीदने जा रहे हैं और उनको बता दिया कि हमें इस व्यापार के लिए हमें सामान चाहिए, अगर वो उसके अकॉर्डिंग हमें सामान नहीं दे रहे हैं तो वहाँ पर गर्भित शर्त है ऑलरेडी कि उसके अकॉर्डिंग हमें सामान नहीं दिया गया, तो फिर उसके लिए भी जिम्मेवार कौन होगा, उसके लिए भी विक्रेता जिम्मेवार होता है, वहाँ पर भी क्रेता सावधान का जो नियम है वो लागू नहीं होता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है, यदि वस्तु किसी विशेष व्यापारिक नाम या पेटेंट के अंतर्गत खरीदी जाती है तब किसी विशेष उद्देश्य के लिए उपयुक्तता संबंधी कोई गर्भित शर्त नहीं होती। अगर देखिए ये क्या कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई कस्टमर है, अगर वो पेटेंट या कोई व्यापारिक नाम, जैसे कोई ट्रेडर, कोई भी कंपनी है,
हम कोई गारमेंट खरीदने जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमें लिवाइस का चाहिए, हमें लिवाइस की जीन्स चाहिए, ठीक है, या फिर कोई भी हमने ब्रांड का नेम बताया है, अगर हम उसकी ही कोई भी मतलब वो खरीद रहे हैं, कोई भी सामान खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर कोई भी हमारी जो गर्भित शर्त होती है वहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि हमने खुद ही ब्रांड के नाम से सामान मांगा है, उसमें कोई भी कमी निकले या कोई भी हो तो वहाँ पर कोई भी गर्भित शर्त जो है लागू नहीं होती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यदि विक्रेता कपट द्वारा माल बेचता है अर्थात दोषों को जानबूझकर छुपाता है या माल के अदृश्य दोष हैं तब भी यह सिद्धांत लागू नहीं होता, ठीक है। तो अगर जो विक्रेता है वो कपट द्वारा माल बेच रहा है या दोषों को जानबूझकर छुपा रहा है तो वहाँ पर भी जो है क्रेता जो सावधान का नियम है वो लागू नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई विक्रेता है वो दोषों को छुपा रहा है आपसे, तो आपको कैसे पता चलेगा अगर आप उसको देखने से जांच परख नहीं पा रहे सामान को कि इसके अंदर क्या कमी है, तो वहाँ पर क्रेता सावधान का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि वो जब क्रेता उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा है कि वो खराब है या सही है, तो वहाँ पर क्रेता सावधान का नियम लागू कैसे होता है, तो वहाँ पर भी विक्रेता ही यहाँ पर जिम्मेवार होता है, क्योंकि वो कपट से ही झूठ से सामान को बेच रहा है। ओके, चलिए, तो ये थे इसके कुछ अपवाद कि कहाँ कहाँ पर हमारा जो क्रेता सावधान का नियम है वो लागू नहीं होता। अब हम आगे पढ़ेंगे शर्तें और आश्वासन क्या होता है, इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, शर्तें यानी कंडीशंस क्या होती हैं, तो धारा 12(2) के अनुसार शर्तें अनुबंध के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक तत्व हैं तथा अनुबंध का मूल आधार है। यदि शर्तें टूट जाती है तो अनुबंध को भंग समझा जाता है। इस प्रकार यदि शर्त को पूरा नहीं किया जाता तो खरीदार अनुबंध का त्याग कर सकता है तथा लेने से इनकार कर सकता है। यदि वह मूल्य दे चुका है तो विक्रेता से माल ले सकता है। तो शर्तें यानी कि कंडीशंस क्या दी गई हैं यहाँ पे, मैंने आपको बताया था कि विक्रय करार के अंतर्गत क्या होता है कि हमारी कुछ शर्तें होती हैं, विक्रय करार के अंतर्गत हमारी कुछ शर्तें होती हैं कि उस अभी हमने मान लीजिए कि कोई कार खरीदनी है, ठीक है, कोई कार खरीदनी है हमने, तो वो जो बंदा कार देने वाला है वो मुंबई गया हुआ है, ठीक है, वो मुंबई गया हुआ है, तो वो कंडीशन लगाता है कि मैं मुंबई से आके आपको वो कार दे दूंगा, ठीक है, लेकिन वो मुंबई से आता है और वो वापस उस कार को लेके कहीं और चला जाता है, वो आपको वो कार नहीं दे रहा मुंबई से आने के बाद। इसका मतलब जो विक्रय करार में हमारी शर्त हुई थी, हमारी जो कंडीशन लगी थी कि वो मुंबई से आने के बाद हमें वो कार दे देगा, तो वो शर्त यहाँ पर टूट गई है ना, तो हमारा जो अनुबंध है वो हम यहाँ पर भंग भी कर सकते हैं कि हम वो कार लेने से हम मना भी कर सकते हैं, और अगर हम उसके पैसे दे चुके हैं तो वो हम कार ले भी सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी शर्त यानी कि कंडीशन। चलिए उसके बाद देखिए आश्वासन क्या होता है। आश्वासन मुख्य अनुबंध के उद्देश्य से समपार्श्विक कथन है। समपार्श्विक कथन, इसके भंग होने से क्षतिग्रस्त पक्ष अनुबंध का परित्याग नहीं कर सकता तथा माल को वापस भी नहीं कर सकता। यदि आश्वासन भंग होता है तो खरीदार को माल स्वीकार करके हर्जाने की ही मांग कर सकता है। तो आश्वासन को इंग्लिश में हम कहते हैं वारंटी, ठीक है। 12(3) के अनुसार वारंटी क्या होती है, आप सभी को वारंटी तो पता होगी कि वारंटी क्या होती है। जब भी हम मोस्टली कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने जाते हैं, कोई भी फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज है, एसी है या वॉशिंग मशीन है, कुछ भी हम अगर आइटम खरीदने जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो वो क्या कहते हैं कि इसमें एक साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इसके अंदर कोई भी एक साल तक प्रॉब्लम होती है तो हम इसको ठीक करा के देंगे, ये हमारी वारंटी है। तो ये क्या होता है, एक तरीके से आपको आश्वासन दिया जा रहा है कि अगर इस रेफ्रिजरेटर में एक साल में कोई भी इस चीज़ पे आपको प्रॉब्लम होती है तो हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि हम उसको ठीक करा के आपको देंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर आप उस चीज़ को वापस नहीं कर सकते हो, यहाँ पर आप उसको वापस नहीं कर सकते हो, यहाँ पर सिर्फ आपको वो हर्जाना जो है, जो आपकी आपकी चीज़ जो ख़राब हुई है, सिर्फ उसको ठीक करा के आपको देंगे। यहाँ पर जो आपका अनुबंध होता है उसको आप भंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल दिया हुआ, यदि ए बी को 100 गेहूँ बेचता है तो यह स्वाभाविक है कि गेहूँ खाने के लायक होना चाहिए, इसलिए आवश्यक तत्व अर्थात शर्त है। अन्य तत्व जैसे कि पैकिंग आदि इतने आवश्यक नहीं है, इसलिए इन्हें आश्वासन कहा गया है, ठीक है, क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए, शर्तें व आश्वासन स्पष्ट भी हो सकते हैं और गर्भित भी हो सकते हैं। स्पष्ट शर्त व आश्वासन वह हैं जो स्पष्ट शब्दों में अनुबंध के आधार पर ठहराए जाते हैं। गर्भित शर्तें व आश्वासन वे हैं जो अनुबंध में कानून के कारण आवश्यक होते हैं। यदि पक्ष ठहराव न करे तो कानून इन्हें अनिवार्य बना देता है। यानी कि जो शर्तें और आश्वासन हैं वो स्पष्ट भी हो सकती हैं और गर्भित भी हो सकती हैं। स्पष्ट मतलब जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस वक्त हम अपनी शर्तें बता दें कि
कोई भी हम जैसे कार का ही अगेन एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमको कार खरीदनी है तो वो सारी शर्तें बता दें कि इतने पैसे में हम लेंगे और इतने इस दिन हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी जाए, इतने सेकंड इंस्टॉलमेंट दे दी जाए और लास्ट डे जब आप इंस्टॉलमेंट देंगे तो फिर आप कार ले जाना। इस तरीके से ये सभी जो है हमारी शर्तें इसके अंदर स्पष्ट कर दी गई है, ठीक है। लेकिन कुछ गर्भित शर्तें भी होती है। गर्भित शर्तें क्या होती है, वो इसके अंदर ना स्पष्ट नहीं होती, मतलब स्पष्ट रूप से बताई नहीं गई होती। वो क्या होती है, कानून कानून द्वारा वो लागू होती है। कुछ गर्भित शर्तें ऐसी होती है जो ऑलरेडी कानून द्वारा लागू होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल है, एक अ ने ब को अंगूर का खेत बेचा तथा कहा कि उसने उपज में गंधक का प्रयोग नहीं किया है। यह निर्णय हुआ कि अनुबंध में स्पष्ट जो है वो शर्त थी, ठीक है, स्पष्ट शर्त थी। और यदि अंगूरों की उपज में गंधक का प्रयोग किया गया था तो खरीदार को अनुबंध के परित्याग करने की स्वतंत्रता थी और अंगूर लेने से इनकार कर सकता था, ठीक है। तो स्पष्ट इसके अंतर्गत कर रहा है वो कि जो मेरा अंगूर का खेत है इसमें मैंने गंधक का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन अगर उसमें गंधक का उपयोग पाया जाता है तो जो क्रेता है वो उसको खरीदने से मना कर सकता है, ठीक है, तो उसका परित्याग भी वो कर सकता है, यानी अनुबंध को भंग कर सकता है। चलिए अब शर्त और आश्वासन में अंतर क्या होता है, देखिए किसी विक्रय अनुबंध में कोई तथ्य शर्त अथवा आश्वासन इस बात पर निर्भर करता है कि पक्षकारों का क्या आशय था और उनके द्वारा किए गए अनुबंध की क्या बनावट थी। शर्त और आश्वासन में निम्नलिखित मुख्य अंतर है। सबसे पहले देखिए, शर्त वह तथ्य है जो अनुबंध के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनिवार्य है। तो शर्त हमेशा ज़रूरी होती हैं, कभी भी किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए शर्तें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं, परंतु आश्वासन वह तथ्य है जो अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए संपार्श्विक है। संपार्श्विक का मेनली मतलब होता है कि जो भी मतलब वस्तु है, जो भी वस्तु है उसके जो हर्जाना हुआ है उसके मुकाबले का कोई धन कोई वस्तु या उसको ठीक करा के देना, तो संपार्श्विक का ये मतलब होता है, ठीक है। तो आश्वासन जो होता है उसके मुख्य उद्देश्य के लिए संपार्श्विक होता है, मतलब उसकी जो भी हर्जाना हुआ है उसको उसको भर देना, उसको ठीक करा के देना, ठीक है। उसके बाद देखिए, शर्त के भंग हो जाने पर पीड़ित पक्षकार अनुबंध का त्याग कर सकता है, किंतु आश्वासन के भंग हो जाने पर पीड़ित पक्षकार केवल हर्जाने का वाद प्रस्तुत कर सकता है, अनुबंध नहीं त्याग सकता, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर शर्त भंग हो जाती है, जैसे अंगूर वाला हमने एग्जांपल लिया था कि अंगूर के खेत में वो गंधक का प्रयोग पाया गया, तो शर्त जो थी वो भंग हो गई यहाँ पर, है ना, तो अनुबंध भी भंग किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अंगूर के खेत में गंधक का प्रयोग नहीं किया गया था, ठीक है, लेकिन उसके अंतर्गत थोड़ा सा कुछ कमियां पाई गई, थोड़ी बहुत जो अंगूर थे वो ख़राब थे, कुछ जो पौधे थे अंगूर के, तो वहाँ पर उस चीज़ का ये आश्वासन था कि इसमें कुछ ख़राब भी नहीं होगी। लेकिन तो अगर वो चीज़ ख़राब थी तो उसका हर्जाना यहाँ पर दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर अनुबंध को भंग नहीं किया जा सकता। थर्ड देखिए, शर्त भंग को आश्वासन भंग माना जा सकता है, परंतु आश्वासन भंग को शर्त भंग नहीं माना जा सकता। यानी कि देखिए, शर्त भंग को आश्वासन भंग तो हम मान सकते हैं, क्योंकि जब शर्त ही भंग हो गई तो आश्वासन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कि शर्त भंग हो गई तो हमारा अनुबंध ही खत्म हो गया, है ना, तो आश्वासन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कोई। लेकिन आश्वासन भंग जो होता है उसको हम शर्त भंग नहीं मान सकते। ओके, चलिए देखिए, एक केस था हार्टले वर्सेस हाइमंस का। तो देखिए ये क्या केस था, क्रेता एक घोड़ा खरीदता है जो सवारी के लिए उचित और शांत बताया गया, ठीक है। क्रेता सिर्फ एक घोड़ा खरीदने गया है, उसने उसके बारे में कुछ नहीं बोला कि मुझे किस प्रकार का घोड़ा चाहिए, उसने कुछ नहीं यहाँ पर बताया, सिर्फ उसने बोला मुझे एक घोड़ा चाहिए। तो वो जो घोड़ा बेचने वाला है वो कहता है उचित और शांत है। क्रेता जब घोड़े पर सवारी करता है तो पता चलता है कि घोड़ा मरखना है। क्रेता केवल हर्जाने का वाद प्रस्तुत कर सकता है। यदि क्रेता ने एक विशेष घोड़ा खरीदने के बजाय यह कहा होता कि उसे सवारी के लिए शांत घोड़ा चाहिए, तब यह तथ्य एक शर्त है। अब क्रेता घोड़ा लौटा सकता है, घोड़े को रखकर हजाने का वाद प्रस्तुत कर सकता है। तो देखिए, जब क्रेता घोड़ा खरीदने गया तो उसने वहाँ पर कुछ नहीं बताया कि किस लिए किस पर्पज़ से उसको घोड़ा चाहिए, उसने बोला सिर्फ मुझे घोड़ा चाहिए। तो उन्होंने कह के दे दिया हाँ कि भाई ये उचित है और शांत है। लेकिन जब वो उसको यूज़ करने लगा, वो सवारी करने लगा, तो वो घोड़ा जो था वो मारने वाला था। तो इसलिए अब यहाँ पर जिम्मेवार वो क्रेता खुद है, क्योंकि उसने पर्पस नहीं बताया था। अगर इसकी जगह पर वो बताता कि मुझे सवारी करनी है और मुझे एकदम शांत चाहिए, तो तब वहाँ पर कौन जिम्मेवार होता, तब वहाँ पर विक्रेता जिम्मेवार होता, तब वह अनुबंध को भी भंग कर सकता था और हर्जाने के लिए भी वाद प्रस्तुत कर सकता था। लेकिन अभी वो सिर्फ हर्जाने के लिए ही वाद प्रस्तुत कर सकता है, वो अनुबंध को भंग नहीं कर सकता, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिए, जब शर्त को आश्वासन समझा जाता है। शर्त को आश्वासन कब कब समझा जाता है, देखिए वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 13(3) में दशाएं निहित है जिनमें शर्त घटकर आश्वासन के स्तर पर आ जाती हैं। ये दशाएं निम्नलिखित हैं, देखिए कौन कौन सी है। फर्स्ट है जब खरीदार शर्त त्याग देता है, जब खरीदार स्वयं शर्त को त्याग दे, खुद ही शर्त को अगर त्याग दिया उसने खरीदार ने, तो शर्त को हम क्या समझ सकते हैं, आश्वासन समझ सकते हैं। ठीक है। सेकंड, यदि खरीदार शर्त भंग को आश्वासन भंग मान ले, अगर खरीदार खुद ही शर्त भंग को आश्वासन भंग मांग रहा है तो भी हम क्या कर सकते हैं, उसको आश्वासन समझ सकते हैं। थर्ड है यदि अनुबंध अविभाजनीय है तथा खरीदार ने माल या माल के कुछ भाग को स्वीकार कर लिया हो, तो अविभाजनीय का मतलब है कि किसी में उसको बांटा नहीं जा सकता। ठीक है। और अगर खरीदार ने उसका कुछ माल खरीद लिया है तो भी हम शर्त को क्या समझ सकते हैं, आश्वासन समझ सकते हैं। ठीक है। तो देखिए ऊपर दी गई तीनों दशाओं में शर्त भंग को आश्वासन भंग माना जाता है तथा खरीदार शर्त भंग के लिए केवल हर्जाने के लिए ही दावा कर सकता है, ना तो वह खुद अनुबंध का परित्याग कर सकता है और ना ही माल लेने से इनकार कर सकता है। तो इन सभी कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि उसने खुद ही शर्त त्याग को आश्वासन माना है तो वो केवल हर्जाने के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है, वो अनुबंध का परित्याग यहाँ पर नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद देखिए, पहली दशा में शर्त को आश्वासन खरीदार की इच्छा पर समझा जाता है, परंतु तीसरी दशा में शर्त भंग को केवल आश्वासन भंग ही समझा जाएगा, क्योंकि यदि खरीदार एक बार माल को स्वीकार कर लेता है तो बाद में किसी भी आधार पर अस्वीकार नहीं कर सकता। यदि बाद में जांच करने पर शर्त भंग होने का पता चलता है तो वह उसे केवल आश्वासन भंग समझकर हर्जाने के लिए ही दावा कर सकता है, परंतु यदि विक्रय अनुबंध में इनके विपरीत कोई बंधन है तो वह उपयुक्त प्रावधान लागू ना होंगे। ठीक है। तो जो तीसरी दशा इसके अंदर बताई गई थी, तीसरी दशा बताई गई थी कि अगर जो अनुबंध अविभाजनीय है तो खरीदार ने माल या माल के कुछ भाग को अगर स्वीकार कर लिया है तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, वहाँ पर सिर्फ हर्जाने के लिए ही दावा किया जा सकता है, अनुबंध को भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं गर्भित शर्तें व आश्वासन। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ जो होती हैं स्पष्ट शर्तें होती हैं और कुछ होती हैं गर्भित शर्तें। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, गर्भित शर्तें व आश्वासन क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यदि वस्तु विक्रय अनुबंध में किसी विशेष बात का स्पष्टीकरण ना किया गया हो फिर भी कानून कुछ बातों को ठहराया गया समझता है तो यह गर्भित बातें शर्त भी हो सकती हैं और आश्वासन भी हो सकते हैं। वस्तु विक्रय अधिनियम की धाराओं 14-17 में गर्भित शर्तें व आश्वासनों की सूची है। यह शर्तें आश्वासन विपरीत इच्छा ना होने पर भी गर्भित होती हैं, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई शर्तें स्पष्ट नहीं की गई हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ गर्भित शर्तें मौजूद होती हैं जो कानून द्वारा लागू होती हैं। ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर है, एग्जाम्पल दिया गया है, विक्रेता क्रेता को 100 टन गेहूं 10 अगस्त को सुपुर्द करने की प्रतिज्ञा कर रहा है। ठीक है। किसी कारणवश वह गेहूं की सुपुर्दगी 20 अगस्त को करता है। अनुबंध से स्पष्ट है कि इसमें समय महत्वपूर्ण बंधन है, इसलिए एक शर्त है जो भंग हो गई है। क्रेता अनुबंध का प्रत्याग कर सकता है यदि वे चाहे तो, इसके शर्त खंडन का त्याग कर सकता है और गेहूं को स्वीकृत कर सकता है और हर जाने के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि एक जो विक्रेता था उसने बोला मैं 100 टन गेहूँ आपको 10 तारीख को दे दूंगा, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो 20 तारीख को दे पा रहा है किसी वजह से। तो यहाँ पर क्रेता क्या कर सकता है, या तो वो भंग कर सकता है, वो माल लेने से मना कर सकता है, मैं अब नहीं खरीदूंगा, या फिर वो सामान तो खरीद सकता है लेकिन जो उसको हर्जाना हुआ है 10 दिन का जो हर्जाना हुआ है उसमें जो उसको जो भी उसका नुकसान हुआ होगा उसके लिए वो वाद प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं गर्भित आश्वासन कौन कौन से होते हैं। गर्भित आश्वासन, प्रत्येक विक्रय अनुबंध में कोई विपरीत अनुबंध ना होने पर निम्नलिखित आश्वासन गर्भित होते हैं। फर्स्ट है वस्तु के शांतिपूर्वक अधिकार। शांतिपूर्वक अधिकार का मतलब है कि खरीदार को माल की निर्विरोध सुपुर्दगी व उपभोग करने का अधिकार होगा यदि उसको विक्रेता या किसी और व्यक्ति जो अपने स्वामित्व को उच्चतर बनाए किसी भी कारण से माल के मालिक बनने तथा उसके रखने में बाधा पड़ती है तो विक्रेता पर माल की निर्विरोध माल सुपुर्दगी के आश्वासन भंग के लिए हर्जाने का दावा कर सकता है। तो देखिए वो ये कह रहा है कि जो खरीदार है अब उसने सामान खरीद लिया, ठीक है, और पैसे दे दिए उसके बदले में, तो वो क्या बन गया, वो सामान का मालिक बन गया। ठीक है। तो वो उसको उसका अधिकार है कि वो उस सामान को अपने पास रख सकता है या उसके ऊपर कोई भी चीज़ खर्च कर सकता है या मतलब उसको वो किसी को दे सकता है, तो उसके ऊपर पूरा उस चीज़ का अधिकार है। लेकिन अगर उसको ये अधिकार नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर क्या है, ये गर्भित आश्वासन लागू होता है, वो हर्जाने के लिए दावा कर सकते हैं। देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखिए, अनिल ने विमल से 200 रुपये में एक टाइप मशीन खरीदी
अनिल ने 110 रुपये इसकी सफाई पर व्यय किया। पता चला कि टाइप मशीन चोरी की थी, परंतु ना अनिल और ना विमल को इसका ज्ञान था। अनिल को इसे इसके असली मालिक को वापस करना पड़ा। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि जो अनिल ने विमल को एक मशीन बेची 200 रुपये की, ठीक है, और 110 रुपये उसने इसकी सफाई पर खर्च कर दिए, तो कितने हो गए टोटल 310 रुपये हो गए उसके, 200 का तो खरीदा और 110 रुपये का सफाई पे खर्च की है ना, लेकिन जो टाइप मशीन थी वो चोरी की निकल गई। अब अनिल को क्या करना पड़ रहा है, वो उसके असली मालिक को वापस भेजनी पड़ रही है, लेकिन इस बारे में ना तो अनिल को पता था और ना विमल को कि वो चोरी की है, ठीक है। तो अब निर्णय क्या हुआ, निर्णय ये हुआ कि जो मशीन थी वो उसके मालिक को वापस गई, तो अनिल ने विमल से निर्विरोध सुपुर्दगी के आश्वासन भंग होने के आधार पर 310 रुपये वसूल किए, क्योंकि वो उसको उसका हक था कि वो उसको उसको यूज़ करे, वो उसको कैसे भी यूज़ करे, लेकिन अब वो नहीं कर पा रहा, तो उसको अब क्या करना पड़ेगा, उसको 310 रुपये वसूल कर सकता है जो उसने 310 रुपये उस वस्तु पर खर्च किए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वस्तु का भार मुक्त होना। वस्तु का भार मुक्त होना मतलब कि माल किसी अन्य पक्ष के भार या अधिकार से मुक्त है, मतलब इसके अंदर दो ही पक्ष होते हैं, एक क्रेता और एक विक्रेता, यही होते हैं, कोई तीसरा पक्ष यहाँ पर शामिल नहीं होना चाहिए, ये होता है वस्तु का भार मुक्त होना। यदि ये बात विक्रेता द्वारा घोषित या तो विक्रेता द्वारा या तो घोषित ना की गई हो, या क्रय के समय पहले क्रेता को उसका ज्ञान ना हो, और यदि खरीदार को माल की रकम चुकानी पड़ती है, तो वह गर्भित आश्वासन का भंग है, तथा खरीदार यह रकम विक्रेता के हर्जाने के रूप में वसूल कर सकता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, कोई किसी के पास गिरवी रखी हुई वस्तु है, ठीक है, गिरवी रखी हुई वस्तु है, अगर वो किसी दूसरे पर्सन को बेच रहा है गिरवी रखी हुई वस्तु, तो ये आश्वासन भंग होना है, क्योंकि कोई भी वस्तु तब बेची जा सकती है जब वो उसके अधिकार में हो कि वो उसको बेच सकता है। जैसे एग्जांपल देखिए, अनिल सुनील को पहले से मोहन के पास गिरवी रखी हुई पुरानी मोटर बेचता है। सुनील को इस बात गिरवी के बारे में ज्ञान नहीं था, और ना ही अनिल यह बात सुनील को बताता है। अनिल सुनील के प्रति भार रहित सुपुर्दगी के गर्भित आश्वासन भंग के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि जो वो पुरानी मोटर थी वो गिरवी रखी हुई थी, उसके पास खुद ही अधिकार नहीं है उसको बेचने का, क्योंकि वो तो गिरवी रखी हुई है ना, तो यहाँ पर आश्वासन भंग के लिए वह जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो ये तो थी गर्भित आश्वासन। अब गर्भित शर्तें देख लेते हैं। गर्भित शर्तें कौन कौन सी हैं, सबसे पहले देखिए, किसी विक्रय अनुबंध में शर्त स्पष्ट अथवा गर्भित हो सकती हैं। तो स्पष्ट शर्तें वे हैं जिनके संबंध में पक्षों के बीच अनुबंध करते समय सहमति हो चुकी है, तथा जिनका अनुबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। गर्भित शर्तें कोई विपरीत अनुबंध ना होने पर प्रत्येक अनुबंध में निहित होती हैं। गर्भित शर्तों के संबंध में कानून की यह धारणा होती है कि उन्हें विक्रय अनुबंध में शामिल करने का पक्षों का इरादा था, किंतु जिन्हें शामिल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि विपरीत करार ना होने पर वे शर्तें अपने आप लागू होती हैं। यानी कि ये शर्तें चाहे स्पष्ट रूप से लिखी गई हों या ना लिखी गई हों, ये हमारे अनुबंध के अंतर्गत लागू होती हैं। सबसे पहले देखिए, माल पर स्वामित्व संबंधी शर्तें। तो माल पर स्वामित्व संबंधी शर्तों का क्या मतलब है कि जब हम कोई माल बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके अंतर्गत उस पर उसका जो स्वामित्व है ना, विक्रेता का होना चाहिए वस्तु का, ठीक है। जिस समय विक्रय के अंतर्गत क्या होता है, विक्रय के अंतर्गत जब विक्रेता कोई माल बेच रहा है तो उसके ऊपर उसका अधिकार होना चाहिए, ठीक है। और विक्रय करार की स्थिति में क्या होता है कि जब वो स्वामित्व का हस्तांतरण करेगा, मान लीजिए कि किसी विक्रेता के पास जो आज जो वस्तु है वो आज उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन आज वो चीज़ उसकी नहीं है, ठीक है, लेकिन जब वो उसको बेचेगा, यानी कि मतलब उसको ट्रांसफ़र करेगा, जिस दिन वो उस दिन तक उस विक्रेता की वस्तु हो जानी चाहिए, तभी वो उसका ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, वर्णन द्वारा वस्तुओं का विक्रय। यानी कि जब कोई विक्रेता किसी वस्तु को बेच रहा है, वर्णन करके कि ये वस्तु इस तरीके की है, तो वो वस्तु उसी तरीके की होनी चाहिए। अगर वैसी नहीं होती तो विक्रेता, ये गर्भित शर्त है कि विक्रेता उसके लिए जिम्मेवार होगा, ठीक है। उसके थर्ड देखिए, नमूने द्वारा विक्रय। नमूने द्वारा विक्रय में भी शर्त गर्भित होती है कि नमूने तथा शेष सभी माल के गुणों में समानता होगी। यानी कि कोई भी अगर हम सैंपल देख के माल खरीद रहे हैं, तो जो बाकी का माल होगा वो भी नमूने जैसा ही होना चाहिए। क्रेता को नमूने का सारे माल से मिलान करने के लिए उचित अवसर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो क्रेता है उसको सारे माल से मिलान करने का अवसर दिया जाना ज़रूरी है। थर्ड, माल उन सब दोषों से मुक्त होगा जिनके कारण वह विक्रय के लिए अयोग्य बन जाता है, किंतु जिन दोषों का पता उचित परीक्षण से नहीं चल सकता, यह गर्भित शर्त केवल उन्हीं गुप्त दोषों पर लागू होती है जिनका उचित परीक्षण से पता नहीं लगाया जा सकता।
विक्रेता उन प्रत्यक्ष दोषों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो दिखाई देते हैं तथा जिन्हें उचित परीक्षण से जाना जा सकता है। यानी कि अगर कोई ऐसा दोष है जिसे क्रेता देख समझ सकता है तो उसके लिए विक्रेता लागू नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, गुण अथवा दुरुस्ती संबंधी शर्त। यदि क्रेता स्पष्ट अथवा गर्भित रूप से विक्रेता को उस उद्देश्य की जानकारी दे देता है तथा विक्रेता की जानकारी और निर्णय पर निर्भर करता है तो इस स्थिति में वह गर्भित शर्त होती है कि माल उसी उद्देश्य के लिए होगा, लेकिन पेटेंटेकृत माल अथवा किसी व्यापारिक नाम के अंतर्गत बेचे जाने वाले माल के संबंध में यह गर्भित शर्त नहीं होगी। किंतु यदि क्रेता विक्रेता के माल की जानकारी एवं निर्णय पर भरोसा करता है तो तथा विक्रेता को यह बता देता है कि वह ऐसा कर रहा है तो यह गर्भित शर्त लागू होगी। माल के गुण अथवा दुरुस्ती संबंधी गर्भित शर्त प्रचलित व्यापारिक प्रथा से भी जानी जाती जा सकती है। कुछ स्थितियों में जिस उद्देश्य से माल खरीदा जा रहा है वह विक्रय से संबंधित पक्षों के कार्यों या व्यवहारों से अथवा माल के वर्णन अथवा प्रकृति से जाना जा सकता है। तो देखिए, इसके अंतर्गत ये कह रहा है कि यदि कोई क्रेता जो है वो कोई माल खरीद रहा है, ठीक है, और वो बता देता है कि मुझे किस पर्पस से ख़रीदना है, मुझे ये सभी चीज़ें इसके अंदर ज़रूरी हैं, ये सभी गुण उस वस्तु के अंतर्गत होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई कार लगा लीजिए खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, और आप बताते हैं कि मुझे इसके अंतर्गत ऐसी माइलेज वाली चीज़ चाहिए, ऐसे स्टेयरिंग चाहिए, ऐसा ये सब कुछ चाहिए, आप उसके फीचर्स उसके गुण आप उसको बता रहे हैं, ठीक है, और अगर वो उसके अकॉर्डिंग आपको सामान नहीं दे रहा तो वहाँ पर कौन जिम्मेवार होता है? वो विक्रेता जिम्मेवार होता है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये है कि अगर आप बोलते हैं कि मुझे कोई भी आप ब्रांड का नाम बता रहे हैं, उसका मॉडल नंबर बता रहे हैं कि मुझे यही कार चाहिए, ठीक है, और आप उस कार को ले जाते हो और अगर उसमें कोई कमी मिलती है तो वहाँ पर वो विक्रेता जिम्मेवार नहीं होता, क्योंकि आपने खुद वही कार मांगी थी। उसके गुण उसके अंतर्गत चाहे हैं या नहीं वो आपकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि आपने जो चीज़ मांगी थी वही आपको दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गर्भित शर्त लागू नहीं होती अगर वो व्यापार कोई पेटेंट या कोई ब्रांडेड नाम से कोई चीज़ खरीद रहा है तो, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, व्यापार योग्यता संबंधी शर्त। यदि माल वर्णन के आधार पर विक्रेता से खरीदा गया है, भले ही विक्रेता निर्माता अथवा उत्पादक हो, तो यह एक गर्भित शर्त होती है कि माल व्यापार योग्य होगा। इसका अर्थ यह है कि माल जिस वर्णन से जाना जाता है उसी वर्णन से बेचा जाने योग्य है। अतः एवं यदि माल की योग्यता एवं स्थिति इस प्रकार है कि उसे एक सामान्य व्यक्ति द्वारा परीक्षण के बाद स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे व्यापारी योग्य कहा जाएगा, ठीक है। तो व्यापारी योग्य का मतलब है कि अगर हम कोई बिजनेस के लिए हम कोई सामान खरीद रहे हैं और हम उनको बता देते हैं कि इसलिए हम इस बिजनेस के लिए हमें ये सामान चाहिए तो वो वस्तु हम व्यापारी योग्य होनी चाहिए। अगर वो व्यापारी योग्य नहीं होगी तो वहाँ पर भी जो है वो गर्भित शर्त लागू होती है कि जो विक्रेता होगा वो गर्भित शर्त को भंग करने के लिए उत्तरदायी माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हानि रहित तो होने संबंधी शर्त। खाने पीने की वस्तुओं में व्यापार योग्यता के अतिरिक्त एक और गर्भित शर्त होती है कि माल स्वास्थ्य के लिए हानि रहित है। अगर कोई भी विक्रेता जो है खाने पीने का सामान बेच रहा है तो ये ज़रूरी है वहाँ पर कि वो जो खाने पीने का सामान है वो हानि रहित ही होना चाहिए, वो लोगों को ऐसा ना हो कि वो बीमार कर दे, ठीक है। तो इसलिए एक गर्भित शर्त यहाँ पर लागू होती है। नेक्स्ट है व्यापारिक रीति संबंधी गर्भित शर्त। किसी विशेष उद्देश्य के लिए गुण अथवा योग्यता के संबंध में कोई गर्भित शर्त व्यापार की प्रचलित रीति के अनुसार हो सकती है। यानी कि कोई भी अगर व्यापारिक रीति पर कोई गर्भित शर्त लागू होती है, कोई भी स्पेशल ट्रेड के ऊपर कोई गर्भित शर्त लागू होती है तो वो हर स्टेज पर लागू होगी। उसके बाद देखिए किस्म या योग्यता संबंधी शर्तें। निम्नलिखित शर्त क व ख खरीदार सावधान सिद्धांत के अपवाद हैं, कौन कौन से? साधारणतः वस्तु विक्रय अनुबंध में यह गर्भित शर्त या आश्वासन नहीं होता कि माल विशेष क्वालिटी का होगा या किसी विशिष्ट उद्देश्य के योग होगा, परंतु निम्नलिखित दशाओं में से इस प्रकार की गर्भित शर्तें होती हैं। फर्स्ट है, यदि खरीदार विक्रेता को यह बता देता है कि उसे माल किस लिए चाहिए तथा यह भी बता दे कि वह विक्रेता की कुशलता व निर्णय पर विश्वास कर रहा है तथा माल इस वर्णन का है कि जो विक्रेता साधारणतः अपने व्यापार में बेचता है, तो वह गर्भित शर्त होती है कि खरीदा हुआ माल उस बताए हुए उद्देश्य के योग्य होगा। तो दोबारा से वही बात आ रही है यहाँ पे कि अगर जो क्रेता है वो विक्रेता को बता देता है कि मुझे किस पर्पस से सामान चाहिए तो कौन जिम्मेवार होगा यहाँ पर? वो विक्रेता ही जिम्मेवार होता है। तो एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं।
अनिल ने सुनील से मिट्टी के कुछ ऐसे सांचे मांगे जो शीशा पिघलाने और रखने के योग्य हों, तथा अनिल ने सुनील के निर्णय पर विश्वास भी किया। यदि मिट्टी के बर्तन इस योग्य नहीं निकलते तो इस दशा में माल विशेष उद्देश्य के योग्य होने की शर्त का खंडन हुआ। ठीक है, तो क्योंकि अनिल ने पहले से ही बता दिया था कि उसे मिट्टी कुछ ऐसे सांचे चाहिए जिसमें उन्हें शीशा पिघलाना है, लेकिन अगर वो इस योग्य नहीं निकले, वो शीशा नहीं पिघला सके, तो यहाँ पर शर्त का खंडन हुआ है। ठीक है, तो इसलिए जिम्मेवार कौन होगा? सुनील होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए इसका। नेक्स्ट शर्त है इसकी यहाँ पर, नमूने द्वारा बिक्री। यदि माल की बिक्री ठहराए हुए नमूने के अनुसार की जाए तो निम्नलिखित शर्तें गर्भित होती हैं। कुल माल क्वालिटी में नमूने के अनुसार हो, खरीदार को कुल माल को नमूने से मिलाने का उचित समय दिया जाएगा, कि यदि माल के नमूने में कोई ऐसा दोष हो जो उचित परीक्षण से ना पता चले परंतु उस दोष के कारण माल व्यापार योग्य ना हो तो विक्रय गर्भित शर्त भंग के कारण मान्य होगी। तो ये अभी हमने गर्भित शर्त के अंतर्गत पढ़ लिया था कि नमूने द्वारा अगर कोई बिक्री हो रही है तो सभी जो सामान है वो नमूने के अंतर्गत ही, नमूने जैसा ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे अनिल ने सुनील को पेटी में रखे कुछ सेब नमूने से बेचे। नमूने की पेटी तो ठीक थी परंतु बाकी जो माल था वो गला सड़ा था, तो अनिल सुनील के प्रति गर्भित शर्त तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। यदि सुनील चाहे तो माल को अस्वीकार भी कर सकता है। ठीक है, तो अनिल ने जो उसको सामान दिखाया, जो सेब दिखाए, जो सेब की पेटी दिखाई, वो तो ठीक दिखा दी, लेकिन जो बाकी का माल था वो सारा ख़राब था, तो इसलिए यहाँ पर गर्भित जो शर्त है वो लागू होती है, तो वो तोड़ने के प्रति वो उत्तरदायी यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्रेता सावधानी का जो नियम था, ये कंप्लीट हो चुका है इसका टॉपिक। इसमें जो जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो लागू होती हैं वो सभी मैंने आपको बता दी हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स भी इससे बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।